हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। दिल्ली के बाद एक और बड़ी खबर सिरसा से पहुंचा रहे आप तक। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे सिरसा से, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत के बाद आया अहंकार, अहंकारी हो गई है बीजेपी। ये बयान है दुष्यंत चौटाला का, कहा है दुष्यंत ने कि जनता तोड़ेगी बीजेपी का अहंकार, विधानसभा चुनाव में अलग आएंगे परिणाम, ये भरोसा है दुष्यंत चौटाला का, जो उनके बयान में साफ झलका। प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र से लुप्त हो रही है कांग्रेस, कांग्रेस का भी जिक्र किया दुष्यंत चौटाला ने और कहा बीजेपी का मजबूत विकल्प है जेजेपी। पेपर लीक मामले से सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी की पोल खुली, ये जिक्र किया दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत ने कहा बिना तैयारी के निकाली जा रही है नौकरियां, 60,000 नौकरियां देने का झूठा दावा, पानी के बिल में बेतहाशा वृद्धि पर दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा। पानी की दरों में बढ़ोतरी से आम जनता पर पड़ा महंगाई का चाबुक, दुष्यंत ने कहा जुलाई में युवाओं के रोजगार के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, बीजेपी और कांग्रेस के सामने जेजेपी को मजबूत बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी को ऐतिहासिक जीत के बाद आया अहंकार, जनता तोड़ेगी बीजेपी का अहंकार। दुष्यंत ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में अलग परिणाम आएंगे, ये भरोसा दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत कहते हैं प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र से लुप्त हो रही है कांग्रेस, इसलिए बीजेपी का मजबूत विकल्प है जेजेपी। पेपर लीक मामले से सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी की पोल खुली है, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बिना तैयारी के निकाली जा रही है नौकरियां। दुष्यंत आगे कहते हैं कि 60,000 नौकरियां देने का सरकार का झूठा दावा है। दुष्यंत चौटाला बोले पानी के बिल में बेतहाशा वृद्धि पर सरकार को घेरते हुए कि पानी की दरों में बढ़ोतरी से आम जनता पर पड़ा महंगाई का चाबुक।